थाने सीताबर्डी में दिनांक 26/6/2024 को एक फिरियादी नामक विनोद बारई यह पुलिस थाने में आकर उन्होंने बताया कि 26 तारीख को वो गांधीबाग में कुछ इलेक्ट्रिक सामान लेने के लिए आए थे। सामान खरीदी करने के बाद वो अपने घर जाने के लिए कैनल रोड के पास से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक काले रंग की एक्टिवा चालक आदमी लड़का, एक 25 या 27 साल का लड़का उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और उनको बोलने लगा कि आप यहाँ पर कुछ गलत काम करने के लिए खड़े हो, मैं पुलिस हूँ, अगर आपको आप गलत काम करने के लिए यहाँ आए नहीं हो तो पुलिस स्टेशन चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी इधर ही सेटिंग करवा के देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद उसने कुछ पैसे की मांग की। फिरियादी ने अपने जेब में से पैसे निकाले तब आरोपी है उसने फिरियादी के हाथ से पैसे छीनकर भाग गया। तभी फिरियादी ने उसका पीछा किया लेकिन वो वहां से भाग गया। उसके बाद वो फिरियादी पुलिस थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इनके मार्गदर्शन के नीचे हमने 27 तारीख को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल चेतन शेंडे, सुशांत वाड़िया, इन्होंने आरोपी के बारे में जानकारी इकट्ठा की और जो आरोपी है वो खरबी नागपुर यहाँ का रहने वाला है ऐसा पता चलने के बाद ये हमारे कांस्टेबल वहाँ जाने अपने स्टाफ के साथ गए और उन्होंने वहाँ पर आरोपी नामे परिस दिलदार रायपुरे वय 24 साल यह वरोरा चंद्रपुर का है लेकिन फिलहाल में खरबी नागपुर में रहता है, उसको वहां से गिरफ्तार करके पुलिस थाने में लेकर आ गए। जिसके पास में हमें ये आरोपी के पास से मिला हुआ एक काले रंग की एक्टिवा है जिसका क्रमांक है MH31EL9760 और कैश मिली है 12,500 की। टोटल है 57,500 रुपए की रिकवरी उसके पास से मिली है। इसमें हमारे जोन टू सर, माननीय ACP सर, माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सर, DB इंचार्ज है PSI तिवारी सर, कांस्टेबल चेतन शेंडे, सुशांत वाड़िया और PC आत्माराम, प्रवीण वाकोड़े, सतीश गणेश, इनकी मेहनत की वजह से और CCTV फुटेज